लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवा, अकेले तड़पते हुए दिल को आज तुमने सहारा दे दिया है, अब उसे मेरे दिल से कभी दूर मत करना। इंदु के साथ जो हादसा हुआ वो मेरे कारण हुआ है, जब तक ये सच्चाई मैं उसे बताना दूं तब तक संभाल लेना। आज ये सच्चाई बताकर मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए आज ये बात उसे नहीं बता रहा हूं। जब ये बात उसको पता चले तो वो मुझे माफ कर दे, मैं बस इतना ही चाहता हूं। जब वो मुझे माफ कर देगी तब मेरे जीवन में सुख का सागर लहराएगा, बस इतना कर दो भगवान। सनी, ये लो चिट्ठी, तेरी माँ ने भेजी है। सनी, कहाँ है तेरी गैंग? चिट्ठी आई है तो कोई नहीं, मनी ऑर्डर आया तो सब के सब जमा हो जाते हैं। तो उससे पहले मुझ पर टूट पड़ने के लिए तू चिट्ठी पढ़, मैं चलता हूँ। हाँ। प्यारे बेटे सनी को माँ का प्यार भरा आशीर्वाद। मैं यहाँ ठीक हूँ, तू भी वहाँ ठीक होगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इंदु के साथ जो हादसा हुआ ये सुनकर बहुत दुख हुआ, तू जानकर किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता, ये मैं जानती हूँ बेटा। जो होना था सो हो गया, तेरी वजह से हुआ, ये बात तू उसे मत बताना। तेरे सिवा उसका कौन सहारा है बेटा? उस अंधी बच्ची को तेरी जरूरत है बेटा, जब वक्त आएगा तब सारी सच्चाई पता चल जाएगी, तब तक तुझे खामोश रहना पड़ेगा बेटा। तेरी खुशी के लिए ही मैं कह रही हूँ, तेरी प्यारी माँ। बिंदी लगा लो बेटी। ठीक है दादी माँ। इंदु, तैयार हो गई? मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या है इंदु, बिंदी गलत लगी है, देख के नहीं लगा सकती थी? गलत क्या, सही क्या, मुझे क्या पता, मैं तो बस अपने हिसाब से ही तैयार हो गई। देखा, आप फिर से भूल गए ना कि मैं देख नहीं सकती हूँ। सॉरी, दादी से कहकर ठीक से लगवा सकती थी ना। रहने दो, उन्हें घर के कामकाज से फुर्सत मिलेगी तभी ना, सिर्फ एक बिंदी ही तो गलत लगी है, उन्हें क्यों बुला रहे हो, आप खुद भी तो सही कर सकते हैं ना। ओके। अब चलें क्या? एक मिनट रुको, अभी आता हूँ। क्या हुआ भगवान, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारे बाग से इंदु के लिए एक फूल तोड़ा, इसके लिए नाराज हो? सॉरी देवा, मैं इंदु से कितना प्यार करता हूँ तुम जानते हो ना, तुम अकेले ही नहीं इस बाग के सारे फूल जानते हैं, देखो वो भी कितने खुशी से महक रहे हैं। देवा, इस एक फूल के लिए तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज। इंदु, खड़ी हो जाओ। क्यों? अरे पहले खड़ी तो हो, इस तरह मुड़ो। लेकिन क्यों? ये गुलाब तुम्हारे बालों में लगाना है। इंदु, तो हम चलें? हाँ ठीक है। क्या हुआ सनी जी? एक मिनट, दादी माँ। हाँ। यहाँ आओ जल्दी। हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा। जरा ऐसे देखिए ना। क्या हुआ बेटा? इंदु का सब कुछ सही है क्या? देखो अब क्या कमी है बेटा, महालक्ष्मी की तरह तो लग रही है। अब तुम ही मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है तुम्हें? मेरे दिल का टुकड़ा है ये। तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी ना, वो बहुत ही किस्मत वाली होगी, तुम बहुत ही नेक लड़के हो। वो सब तो ठीक है दादी, सब कुछ ठीक है, जरा एक बार देख तो लो ये कपड़े, ये बिंदी। सब कुछ ठीक है बेटा। यहाँ यहाँ पर यहाँ पर। अरे क्या हुआ सनी जी, आप इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? बाहर चलना है। तुमने ब्लाउज कहाँ पर सिलवाया है? जहाँ से हमेशा सिलवाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? कदे
जिनको पेटीकोट सिलना नहीं आता है वो ब्लाउज भला क्या सिलेंगे, आइंदा अच्छे टेलर से सिलाना। लेकिन क्यों? देखो राइट साइड का गला कितना लूज है। ओ, लूज? ओ, ओ, अब चले? चलो। डोंट वरी इंदु, तुम्हारे बारे में सनी ने सारी बातें बता दी हैं। तुम्हें एग्जाम में बैठने के लिए यूनिवर्सिटी से परमिशन मिल गई है। तुम क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दोगी, उसी पर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तुम्हारे जैसे अच्छे स्टूडेंट के लिए मैंने इसका स्पेशल इंतजाम करवा दिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा इसमें थैंक्स की क्या बात है, एक अच्छे स्टूडेंट को उसे उसका इंसाफ दिलाने के लिए मैंने अपना फर्ज निभाया है, बस इट्स माय मिनिमम ड्यूटी। थैंक यू सर। इंदु अब चलें। नमस्ते सर। गॉड ब्लेस यू। ये वनीला, ये चॉकलेट। इंदु आइसक्रीम खाओ। एग्जाम्स के लिए इस हालत में भी परमिशन मिल जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, इसीलिए एक छोटी सी ट्रीट। एग्जाम में बैठने के लिए परमिशन मिल गई, इसके बाद? उसके बाद एग्जाम में पास होने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे जैसी होनहार लड़की यकीनन फर्स्ट क्लास पास होगी। हाँ उसके बाद? अच्छी सी कोई जॉब करूंगी। और नौकरी के बाद? उसके बाद उसके बाद शादी ना। लगता है मैंने आपका कप उठाकर झूठा कर दिया। आपके लिए दूसरा कप मंगा दूं? किस लिए? आपके लिए। मुझे ये चलेगा। सॉरी। अरे डॉक्टर साहब आप? अरे रे तुम तो नाराज हो गए, मैंने तो मजाक में एक्शन किया, तुम रियल में एक्शन में आ गए। भाई पी के तो जोश में आना समझ में आता है, लेकिन आइसक्रीम खाकर ये जोश कैसा? आइसक्रीम में कुछ खास है क्या? सॉरी डॉक्टर मुझे पता नहीं था कि आप। उस दिन अस्पताल में मुझे ही भर्ती होना पड़ा, लगता आज भी मेरी ही बारी है। वैसे मोहतरमा है कौन? समझ गया, आइसक्रीम में जोश वाला क्रीम कहाँ से आया। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है मैंने सब पढ़ लिया। ये सब तुम मुझसे क्यों छिपा रहा है? मोहतरमा से तुम प्यार करते हो, इस खुशी में हमें नहीं मिलवाओगे? मैडम बाय द वे आई एम डॉक्टर परमहंसा, मेरा मतलब परमहंस। नमस्ते। सुनिए ये देख नहीं सकती डॉक्टर। आई एम सॉरी मैडम, मैं जाने बिना क्या क्या कह गया। तुम्हें जन्म से नहीं दिखता क्या? नहीं डॉक्टर, एक हादसे में मेरी आंखें चली गई। बेटा सनी, क्रिस्टोफर मेरा दोस्त आई स्पेशलिस्ट है जो जर्मनी से आया है और जल्द ही लौटने वाला है। अगर मुझे पता होता उससे समय लेकर इस बच्ची को उसे दिखाने का इंतजाम करा देता। डॉक्टर वो कब जाने वाले हैं? 2-3 दिन के अंदर। उससे पहले किसी तरह उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं? आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोशिश नहीं डॉक्टर, आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ठीक है सनी, पहले इसे मेरे हॉस्पिटल में लाओ। डोंट वरी बेटा, तुम फिर से देखोगी। चलता हूँ। थैंक यू। हाय चिकनी। थैंक्स। इंदु शर्ट पे थोड़ी आइसक्रीम लग गई है, साफ करके आता हूँ। हाय कृष्णा, उस दिन बस स्टॉप पर मिला था, सिंपल से बात करके निकल गया। आज जी भर के बैठ के बात करते हैं, कम ऑन। नहीं यार मैं एक फ्रेंड के साथ हूँ। इसको अपन तेरे साथ दूसरी बार देख रहा है, बहुत बढ़िया आइटम पटाया रे, बिल्कुल वनीला आइसक्रीम की तरह। ए, उसके बारे में ऐसी बात मत कर। उसके फिगर के बारे में अपन तारीफ कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? उसका शेप गठीला वजन देखकर तो जोश आ जाता है। उल्टी सीधी बात करेगा तो जान से मार दूंगा। क्यों बीड़ू, लड़की मिलता ही अपने दोस्त से मुंह मोड़ लिया, इतना प्यार हो गया क्या? इस बार मुझे मौका देना यार। कृष्णा क्या कर रहा है? कृष्णा
कृष्णा मत मार यार, ए लग रही है अपन को, ए मत मार यार। ए कृष्णा क्या कर रहा है यार, मुझे नहीं चाहिए, तू छोड़ देना मुझको। अरे छोड़ दे, अरे कृष्णा मैं मर जाऊंगा। इंदु चले यहाँ से। सनी जी आप आ गए, देखिए देखिए कृष्णा को देखिए, यहाँ पर भी आके तोड़फोड़ कर रहा है, उसी की वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है सनी जी। असल में क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं सनी जी, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो एक नंबर का मवाली है, उसे कितनी बार गुंडागर्दी करते हुए देखा है मैंने। मैं आज अंधी हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से, उसी मवाली की वजह से, उसी की वजह से। सिर्फ उसी की वजह से, उसी मवाली की वजह से, उसी की वजह से। मैं आज अंधी हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से, उसी मवाली की वजह से, उसी की वजह से। अरे बॉस दो चाय लेके आना। लाऊंगा, पहले दोनों पिछला हिसाब क्लियर करो, अपने जेब से पैसे निकालो, उसके बाद ही चाय मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत महान आदमी हो तुम करतार, तुम अगर दो चाय दे दोगे तो तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा, ऐसा आते ही भर देंगे यार। अब ऐसा नहीं चलेगा भाई, पुराना हिसाब चुकाओगे तो ही चाय मिलेगी। ये क्या यार, आजकल ये बहुत स्ट्रांग फैसला ले रहा है। डबल स्ट्रांग करतार भाई, एक प्लेट पकौड़ी देना। एक मिनट लाता हूँ स्वामी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे यार क्या? मुझे एक डाउट है, यहाँ खाना बंद करना चाहिए। ऐसा डाउट तुझे क्यों हुआ? लेकिन ये भाई ने तो पकोड़े का ऑर्डर दिया है। वो पकोड़े खाना हमने छोड़ दिया। करतार के होटल का पकोड़ा खाने नहीं चाहिए। बाप रे, करेक्ट है, शायद तू एक बात भूल गया है। जो पकोड़े खाते हैं उसमें बड़े का भेजा है। मुझे एक लेग पीस मिला था। फिर सब लोग क्यों खाते हैं? वो चोरी से मिला था, सबको थोड़ी मालूम होता है। करतार सर पकोड़ा कैंसिल। क्या स्वामी शरणमयप्पा। आहा, हमने ऑर्डर दिया तो लोकल चाय भी नहीं दिया, अभी स्पेशल चाय क्यों दे दिया? और इसके बाद चाय, कॉफी, हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नविटा, इडली, उपमा, डोसा, पूरी भाजी सब मिलेगा, सब लाके दूंगा। मेरे भाई मेरे पेट पे लात मत मारो भाई, मत मारो भाई। पागल पागल मैं नहीं, तू है। चाय सुपर्ब है। कस्टमर को भगाना शुरू किया तो सुपर चाय देने लगा, अगर इसके होटल को मेंटेन करने लगे तो। दूध वाली देखो, स्वामी के जाते ही पार्टनर आ गया। आओ सन्नी, बहुत सही वक्त पर आए हो, देखो ऑर्डर देते ही स्पेशल चाय आ रही है। ए बालू, तेरे पास 4,000 रुपए हैं? 4,000? 4,000 में कितने शून्य होते हैं मुझे पता नहीं है, इतने पैसे किस लिए चाहिए तुझे? जर्मनी से एक आई स्पेशलिस्ट आए हैं, इंदु को वहां दिखाना है। हमारे पास होते तो 4,00,000 भी दे देते, लेकिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया क्या? हाँ यार, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, ये अंगूठी तुम बेच सकते हो क्या? ये क्या सन्नी, माँ ने तुझे बड़े प्यार से दी है ये अंगूठी, बुरे वक्त में भी तूने इसे नहीं निकाला, एक लड़की के लिए तू इसको? मैंने इंदु के लिए अंगूठी बेची है ये जानकर माँ खुश हो जाएगी, इसे बेचकर जल्दी से पैसे ले प्लीज।